सो हे गाइज व्हाट्सअप, कैसे आप लोग। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बर्थडे वीडियो एडिटिंग, जिसे देखकर आप किसी के भी बर्थडे स्टेटस वीडियो आसानी से क्रिएट कर सकते हैं या रील भी या फिर कोई भी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। सो गाइज आप ऐसा वीडियो कैसे क्रिएट करेंगे यह जाने के लिए गाइज आपको वीडियो एंड तक देखना होगा, वो भी स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए एंड उसे देखकर आप अपना वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले गाइज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने गाइन मास्टर को ओपन कर लेना है एंड प्लस पर टैप करना है। प्लस पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट नेम डाल लेना है यदि आप चाहते हैं एंड इसके बाद गाइज आपको यहाँ से रेशियो सेलेक्ट कर लेना है वीडियो का, जिस भी रेशियो में आप वीडियो क्रिएट करने वाले हैं दोस्तों। सिंपल से तो मैं ये वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं 3:4 वाला मैं रेशियो सेलेक्ट कर लिया है। एंड यहाँ पर इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल से एडवांस पर टैप करना है। एडवांस पर टैप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से फोटो डिस्प्ले मोड सेलेक्ट करना है एंड इसके बाद गाइज आपको यहाँ से ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेना है ना। तो यहाँ से ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको क्रिएट वाले बटन पर टैप करना है। जैसे ही बटन पर टैप करेंगे आपके सामने आपका गैलरी ओपन होगा, वहाँ से आपको अपने इमेज सेलेक्ट कर लेना है जिनसे भी आप वीडियो क्रिएट करने वाले दोस्तों। तो यहाँ से मैं वीडियो सेलेक्ट फोटोज़ को सेलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ से फर्स्ट वाले फोटो को सेलेक्ट करता हूँ ऐड करने के बाद। एंड पेन एंड जूम में जाकर गाइज आपको नीचे वाले एंड पोजिशन पर टैप करना है। एंड पोजिशन पर टैप करने के बाद गाइज आपको यहाँ से फोटो को थोड़ा जूम कर देना है, फोटो को नीचे वाले पर क्लिक करके, जिससे फोटो थोड़ा मोशन में दिखाई देगा हमें जूम होता हुआ वीडियो के अंदर। तो यहाँ से मैं देख सकते हैं आप इस तरह से थोड़ा नीचे खिसका कर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ एंड यहाँ से बैक आ चुका हूँ। आपको दिखा देता हूँ मैं किस तरह से आपका फ़ोटो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप इस तरह से हमारा फ़ोटो आपको दिखाई देगा। तो मैंने सभी में इसी तरह से कर दिया है गाइज, तो आपको भी इसी तरह से कर लेना है। सभी में करने के बाद गाइज आपको करना क्या है, सिंपल से यह जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है उस पर टैप करना है सभी फ़ोटो के बीच में। तो यहाँ से आपको क्लिक करेंगे और ट्रांजेक्शन इफेक्ट में जाना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद गाइज आपको आउट स्प्रे डिस्प्लेट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। तो गाइज यदि आप ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपके स्टोर में यदि आपके कान मास्टर में नहीं है तो आपको यहाँ से स्टोर से ऐड कर लेना है। तो इसमें से नंबर फर्स्ट वाला ऐड कर देना है एंड सेकंड वाले में नंबर सेकंड वाला जो आउट स्प्रे डिस्प्लेट स्क्रीन है तो वो वाला ट्रांजेक्शन है, सभी में नंबर वाइज ऐड कर देना है आप सभी को। तो इसी तरह से आपको नंबर वाइज ऐड कर देना है गाइज। तो ये मैंने सभी में ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं। इसके बाद सिंपल से आपको करना क्या है, आपको इसी वाले वीडियो को है वो एक्सपोर्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर टैप करना है और यहाँ से आपको वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है गाइज। तो यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ वीडियो को सेव एज पर क्लिक करके, तो इससे यह वीडियो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा। आपको भी ठीक इसी तरह से करना है सिंपली। तो गाइज आपको यहाँ क्रॉस पर टैप करना और इस वाले प्रोजेक्ट से आपको बाहर आ जाना है एंड न्यू प्रोजेक्ट लेना आपको, प्लस पर टैप करना है। प्लस पर टैप करेंगे यहाँ से फिर से उसी तरह से आपको इस बार 16:9 रेशियो आपको सेलेक्ट करना है नंबर फर्स्ट वाला एंड वो एडवांस पर टैप करना है और यहाँ से बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही रखना है और क्रिएट पर टैप कर देना है। यहाँ से फिर से वही फ़ोटो उसी नंबर से आपको ऐड कर लेना है गाइज। तो यहाँ से मैंने सभी फ़ोटोज़ ऐड कर लिया, आप देख सकते हैं। सभी फ़ोटोज़ ऐड करने के बाद फर्स्ट वाले फ़ोटो को सेलेक्ट करना है एंड पेन एंड जूम में जाता हूँ मैं। उसी तरह से आपको इस तरह से मतलब चेहरे पर जूम कर देना है सभी इमेज में। तो इसी तरह से मैंने सभी इमेज को कर दिया है। इसके बाद गाइज आपको सिंपल से करना क्या है, फर्स्ट वाले इमेज को सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे मेन्यू में, यहाँ पर जो आपको यह वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है बटन, उसको आपको इनेबल कर देना है, इसको ऑन कर देना है आपको। इसी तरह से बाकी सभी फ़ोटोज़ में भी आपको इसे ऑन कर देना गाइज। तो यह सभी में मैंने कर दिया, आप देख सकते हैं सभी इमेज में आपको करना है। ये जो बैकग्राउंड वाले इमेज है इसमें सब में कर देना आपको, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ इतना करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल से आपको लेयर वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इस पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे दोस्तों तो यहाँ से आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन मीडिया में जाना है। जैसे आप मीडिया में जाएंगे, मीडिया में जाने के बाद गाइज आपको जो ब्लैक कलर का इमेज है वो ऐड कर लेना है एंड इसको सेलेक्ट करना है। जहाँ तक भी आपका वीडियो है वहाँ तक आपको इसको ड्यूरेशन है वो कर देना है, ठीक है। तो यह मैं इसको एंड तक कर देता हूँ जहाँ तक मेरी इमेज है एंड इसको फिर से सेलेक्ट करता हूँ और नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर देना है। इस ब्लैक को फुल स्क्रीन करने के बाद आपको करना क्या है, नीचे और स्क्रॉल करना है और नीचे जाकर जो आपका ओपेसिटी है उसको डाउन कर देना है। इसको डाउन कर देना है गाइज आपको यहाँ 40 के आसपास मैं कर देना है, 40-50 के आसपास जितना भी आपको सूटेबल होता है उतना आपको कर लेना है। फिर से लेयर पर जाकर गाइज आपको फिर से ऊपर वाले ऑप्शन मीडिया में जाना है। मीडिया पर जैसे टैप करेंगे यहाँ से गाइज आपको करना क्या है, जो टेम्पलेट वीडियो है वो ऐड कर लेना है। तो गाइज इस टेम्पलेट वीडियो का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
सिर्फ एक क्लिक में। एंड इसके बाद गाइज आपको करना है सिंपल से जो ये आगे का जो इंट्रो है इसमें से यहाँ तक वीडियो को ट्रिम कर लेना है, ट्रिम पर हटा देना मतलब इंट्रो को। एंड इसके बाद गाइज आपको सेलेक्ट करना है इस टेम्पलेट को और स्प्लिट स्क्रीन में जाना है नीचे स्क्रॉल करके और इसको सेलेक्ट करना है फुल स्क्रीन। एंड इसके बाद गाइज आपको करना क्या है और भी नीचे स्क्रॉल करना है, थोड़ा नीचे जाने के बाद ब्लेंडिंग पर टैप करना और इसको स्क्रीन कर देना है गाइज। तो यहाँ से मैंने स्क्रीन कर लिया है। तो गाइज आपको यहाँ से स्क्रीन करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से वीडियो रेडी हो रहा है हमारा। तो इसी तरह से आपको करते जाना जैसा आपको वो दिखा रहा हूँ। फिर से लेयर पर टैप करके गाइज आपको यहाँ इफेक्ट में जाना है सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में। एंड यहाँ पर आपको बेसिक इफेक्ट ऐड करना है, इसमें ब्लर वाला इफेक्ट आपको फर्स्ट वाला ऐड कर लेना है। एंड इसका ड्यूरेशन भी आपको एंड तक कर देना है, जहाँ तक भी आपका वीडियो होने वाला है बिल्कुल एंड तक कर लेना है आपको, उससे कुछ एक्स्ट्रा ही कर देना ताकि एंड में हो जाएगा अपने आप। एंड इसके बाद गाइज इसका फुल साइज कर देना है इसको फुल स्क्रीन में इस तरह से। तो यह मैंने फुल स्क्रीन कर दिया है, आपको भी बिल्कुल इसी तरह से कर लेना है। एंड थ्री डॉट्स पर टैप करके गाइज इसको सेंड टू बैकवर्ड कर देना है, मतलब इस टेम्पलेट के पीछे की ओर कर देना है इसको, टेम्पलेट के नीचे। एंड इसके बाद फिर से आपको फर्स्ट में अगर लेयर पर जाना है एंड मीडिया पर टैप करना है। इसके बाद गाइज आपको करना क्या है, वो वाला वीडियो एड करना है जो हमने अभी अपनी गैलरी में सेव किया था फर्स्ट में। तो ये देखिए मैंने वो वाला वीडियो ऐड कर लिया है। इस वाले वीडियो का ऐड करने के बाद इसको इस वाले फ्रेम में हमें सेट करना है गाइज। तो इस वाले फ्रेम में सेट करेंगे, थ्री डॉट्स पर टैप करके हमने पीछे की ओर बैकवर्ड कर दिया है वीडियो को। एंड इसको इस तरह से इसमें ऐड करना है, आप देख सकते हैं इस तरह से इस साइज़ का करके, और जो एक्स्ट्रा क्रॉपिंग में जाकर उसको क्रॉप कर देना है। तो यहाँ से मैंने क्रॉप कर दिया, आप देख सकते हैं। एंड इसको सेलेक्ट करके गाइज इसका एक और डुप्लीकेट लेना है हमें, थ्री डॉट्स पर टैप करके डुप्लीकेट। तो ये मैंने डुप्लीकेट ले लिया है। एंड इसको हमें इस हर्ट वाले शेप में ऐड करना है। तो इसके लिए इसको सेलेक्ट करके क्रॉपिंग में जाना है एंड मास्क को इनेबल करना है गाइज। इसका हमें शेप को चेंज करना है, हर्ट वाला शेप ले लेना है। जैसे आप हर्ट वाला शेप लेंगे ये इस हर्ट में क्रॉप हो जाएगा ऑटोमेटिक। एंड इसको इस तरह से थोड़ा उसके जो पीछे की ओर फ्रेम है उस शेप को, मतलब उस शेप में इसको हर्ट दे देना है, हर्ट वाला शेप। तो इसको सेलेक्ट करके इसको भी पीछे की ओर सेंड बैकवर्ड कर देना है जो फ्रेम है उसके नीचे। एंड इसको साइज छोटा करके हमें इसमें ऐड कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आपको भी ऐड कर लेना है। तो मैंने थोड़ा जल्दी में कर दिया है, आप अपने हिसाब से बिल्कुल अच्छे से कर लेना गाइज, आराम से। वीडियो बनाने में थोड़ा जल्दी हो गया। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद मैंने इसको बैक कर दिया है, बैक कर दिया गाइज, आप देख सकते हैं। तो गाइज आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ वीडियो किस तरह से होगा। तो इस तरह से आप भी अपना वीडियो क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। एंड इसके बाद गाइज यदि आप इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, इसमें भी हमें ये वाला जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट है वो ऐड करना है, इस वाले आइकन पर टैप करना है। और इसमें गाइज हमें पेंट वाइप वाला जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट है, सॉरी वो स्पीड टर्न वाला, ये यदि आपके काइन मास्टर में ये ऐड नहीं है तो आप स्टोर से ऐड कर लेना। इसमें नंबर फर्स्ट वाला ऐड करना है आपको। एंड नंबर सेकेंड वाले में गाइज आपको करना क्या है, सिंपल से इसी तरह से नंबर वाइज आपको सभी में ऐड करना है। तो मैंने सभी में ऐड कर दिया इस, ये आप देख सकते हैं, आपको प्ले करके दिखा दिया है मैंने, जैसा आपको दिखाया गया था बिल्कुल वैसा ही आपको क्रिएट कर दिया है मैंने। एंड इसके बाद गाइज आप यदि इसमें नेम ऐड करना चाहते हैं तो लेयर पर जाकर टेक्स्ट में जाकर आप जो भी ये नेम है वो आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका नेम होने वाला है, जिसका भी आप नेम लिखने वाला है टाइप कर देना एंड ओके पर टाइप करना। और इस नेम का आप यहाँ पर कहीं भी रख सकते हैं गाइज, या तो यहाँ पर नीचे की ओर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड इस यहाँ नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा तिरछा करके जो ये वाला फ्रेम है बुक वाला इसके ऊपर आप ऐड कर सकते हैं गाइज। तो मैंने नहीं किया इसके लिए। एंड इसके बाद गाइज यहाँ से आपको वीडियो सेव कर लेना है, यह वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आपका वीडियो रेडी हो चुका है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। एंड गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।